तो भाई लोग कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज Redmi ने इंडिया में Redmi Note 11 Pro को लॉन्च कर दिया, जो 4G है दोस्तों। लेकिन Redmi Note 11 4G जिस प्राइस के आसपास आते हैं, उसी प्राइस के आसपास Redmi Note 11 सीरीज़ का और एक स्मार्टफोन भी आपको मिल जाता है, जो कि कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था, जिसका नाम है Redmi Note 11 S। इसलिए बहुत सारे भाई लोग बहुत कन्फ्यूजन में है, Redmi का दो स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन को बाई करा जा सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ ये दोनों स्मार्टफोन का डिटेल्स कंपैरिजन। कैमरा बोल सकते हो, गेमिंग बोल सकते हो, डिस्प्ले बोल सकते हो, और फीचर्स लेकर डिटेल्स कंपैरिजन करने वाला हूँ। और उसके बाद जाके मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कौन सा स्मार्टफोन होने वाला है आपके लिए बेस्ट। वो जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। तो चलिए बिना टाइम लेते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं डिजाइन से स्टार्ट करना चाहता हूँ। दोनों स्मार्टफोन का जो डिजाइन आपको लगभग सेम ही देखने को मिलने वाला है। दोनों स्मार्टफोन का बैक साइड में रहने वाला है पॉली कार्बोनेट का बॉडी, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी के साथ आने वाला है, और प्लास्टिक बॉडी होने के बाद भी ग्लॉसी फिनिशिंग डिजाइन रहने वाला है। लेकिन एक बात है दोस्तों, Redmi Note 11 S के अंदर देखने को मिल रहा है बैक साइड की तरफ क्वाड कैमरा, एलईडी फ्लैश, और यहाँ पे Redmi का लोगो, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी होने वाला है, और ये स्मार्टफोन आने वाला है फुल व्यू डिस्प्ले के साथ। जबकि अगर Redmi Note 11 Pro के बारे में बात करें तो स्मार्टफोन का बैक साइड की तरफ रहने वाला है ट्रिपल कैमरा का सेटअप, एलईडी फ्लैश भी रहने वाला है, और यहाँ पे Redmi का लोगो, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, और स्मार्टफोन भी आने वाला है फुल व्यू डिस्प्ले के साथ। तो दोनों स्मार्टफोन का लुक मैं कहना चाहता हूँ लगभग आपको आसपास सेम ही देखने को मिलने वाला है। ऐसे भी आपको ये दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन का लुक पसंद आ रहा है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और आप चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। डिस्प्ले में तो यहाँ पे सबसे बाजी मारने वाला है Redmi Note 11 Pro, क्योंकि यहाँ पे 6.67 इंच फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। जहाँ पे मिलता है फुल व्यू डिस्प्ले, इसका बेजल्स नीचे जो चेन छोटा होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे फोन साइड की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, और यहाँ पे जो वाइट एलोन का सपोर्ट भी रहने वाला है। 120 का हायर रिफ्रेश रेट मिल जाता है, और उससे जो बड़ी चीज है 1200 यहाँ पे ब्राइटनेस मिलने वाला है। जबकि यहाँ पे Redmi Note 11 S के बारे में बात करें तो यहाँ पे 6.43 इंच फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जहाँ पे मिल जाता है फुल व्यू डिस्प्ले, और इसका बेजल्स नीचे जो चेन छोटा होने वाला है। यहाँ पे फोन साइड की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन रहने वाला है, और यहाँ पे भी वाइट एलोन का सपोर्ट रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, यहाँ पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे जो ब्राइटनेस भी मिल रहा है 1000 निट ब्राइटनेस मिल रहा है। तो डिस्प्ले में देखा जाए तो साफ साफ यहाँ पे विनर होने वाला है जो Redmi Note 11 Pro। और आप बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस के बारे में। दोनों स्मार्टफोन के अंदर सेम ही चिपसेट मिलने वाला है MediaTek की तरफ से, MediaTek Helio G96 चिपसेट, जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। ये जो चिपसेट है 12 NM का चिपसेट है। अगर आपने दोनों स्मार्टफोन के अंदर कोई भी गेम खेलना चाहते हो बहुत अच्छी तरीके से प्ले कर सकते हो। दोनों स्मार्टफोन आने वाला है एंड्रॉयड 11 के साथ, और दोनों स्मार्टफोन के अंदर MIUI 13 का लेटेस्ट अपडेट भी देखने को मिल जाता है। और दोनों स्मार्टफोन का बेस्ट रैम वेरियंट के बारे में बात करें तो 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज के साथ आने वाला है। दोनों स्मार्टफोन के अंदर LPDDR4X रैम रहने वाला है, और UFS 2.2 स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। और कैमरे के बारे में बात करें तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन का जो बैक साइड की तरफ मेन सेंसर होने वाला है 108 MP का, और 1 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस रहने वाला है, और दोनों स्मार्टफोन के अंदर 2 MP का माइक्रो लेंस मिल जाता है। लेकिन जो Redmi Note 11 S के अंदर यहाँ पे 2 MP का और एक डेप्थ सेंसर मिलता है, और सेल्फी के अंदर दोनों स्मार्टफोन के अंदर 16 MP का सेल्फी कैमरा रहने वाला है। तो कैमरा क्वालिटी मैं कहने वाला हूँ दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको लगभग सेम ही मिलने वाला है, क्योंकि सेम कैमरा मिल रहा है तो कैमरा क्वालिटी तो सेम ही होना चाहिए। और बैटरी के बारे में बात करें तो बैटरी में यहाँ पे तो सबसे आप विनर होने वाला है जो Redmi Note 11 Pro, क्योंकि यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी तो मिल रहा है, उसके साथ साथ 67W का फास्ट चार्जर। जबकि यहाँ पे Redmi Note 11 S के बारे में बात करें तो यहाँ 5000 mAh की बैटरी रहने वाला है, और यहाँ पे मिलता है 33W का फास्ट चार्जर। और दोनों स्मार्टफोन आने वाला है डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन का प्राइस के बारे में। यहाँ पे जो Redmi Note 11 S ये जो स्मार्टफोन आने वाला है 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज जो 17,000 rupees के अंदर, और यहाँ पे Redmi Note 11 Pro ये जो स्मार्टफोन आते हैं 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज जो 18,000 rupees के अंदर,
और बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे तो साफ साफ मेरे को जो अच्छा लगा Redmi Note 11 Pro, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले अच्छा प्रोवाइड कर रहा है और फास्ट चार्जर मिल रहा है, तो मेरे को तो अच्छा लगा Redmi Note 11 Pro। ऐसे भी आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आ रहा है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आ रहे तो ज़रूर एक लाइक कर देना और चैनल को मस्ट भी सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू फेस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।